हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा, एक तो आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ रहे, और मैंने चाहा कि आप लोग भी मीडिया भी आ जाए हॉस्पिटल में। आपने देखा कि माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, खासकर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे, हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ आपने देखी अवेलेबल हैं। जिस तरह वैक्सीनेशन के लिए जितने भी लोग आ रहे हैं वैक्सीनेट हो रहे हैं, और इसके अलावा कोविड टेस्ट हो रहे हैं, कोविड के वार्ड्स हैं अलहदा, ऑक्सीजन अवेलेबल है, और बेहतरीन जो हमारे, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने SOPs को फॉलो करवाने के लिए लोगों से अपील की है और उसको इन्फोर्स किया है। और आपको नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन है, लोगों ने भी तआवुन किया। ताजर बरादरी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसकी अहमियत को समझते हुए, क्योंकि ये जो फोर्थ वेव है काफ़ी जो है लीथल है, इसमें डेथ रेट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि तुर्बत शहर में लॉकडाउन भी है, और हॉस्पिटल में आपने देखा कि तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट अपना पूरा जो है किरदार अदा कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी। और इसके अलावा मैं लोगों से फिर अपील करूंगा, ख़ासकर मकरान के आवाम से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इस तरह यह है कि